हम यू you नो know, खाते थे थे कोक पी रहे होते नीचे बैठ के ऊपर क्लास चल रही होती थी तो दे ऑल वर लाइक के कर लो एडमिशन तो वैसे भी नहीं होना hmm. तो वो उनके जहन में पक्का ये था कि यार मुझे तो दाखिला मिलना ही नहीं है कहीं पे टॉपर्स ऑफ माई क्लास एट दैट टाइम जिनकी वो होता है ना कि अक्सर स्कूल कॉलेज के बाहर बच्चों की वो पिक्चर्स hmm. लगती हैं उनमें से ज्यादातर उसी शहर में रह गए और वो यूनिवर्सिटी में नहीं गए और सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टू दिस ऑनलाइन वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग ऑन इंटरनेट से पैसा बनाना वो कब हुआ? लाइक योर फर्स्ट फर्स्ट लाइक आप ऐसे समझ लें कि आज से चार साल पहले या तीन, तीन चार साल पहले लाख रुपया वॉज लाख रुपये की इनकम पर मंथ वॉज एन आइडियल गोल फॉर मी लाख रुपया समझ रहे हैं आप वो वाली फील लाख रुपया यू यू नो डू थिंक ये जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी क्रिएटर्स इकोनॉमी कह लें डिजिटल इकोनॉमी इसमें एथिक्स कहीं ना कहीं नीचे से नीचे जाई जा रही हैं Amazon के फेक जो स्टोर्स हैं वो पाकिस्तान माशाल्लाह रैंकिंग में एक ये वो पूरा एक 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 शहर है या पता नहीं गांव है वो देयर आर सच टाउन्स जो कि क्रेडिट कार्ड थेफ्ट के ऊपर बहुत वायरल है राइट exactly. right, वहाँ पे ये हो रहा है उस इलाके के साथ लगता है डेजर्ट थर्ड डेजर्ट कहता है यहाँ पे कितने लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो उधर रेगिस्तान के बीच में बैठ के वो अपना पूरा, पूरा पूरा सिस्टम स्कैम का चलाते हैं क्योंकि वहाँ पे शोर नहीं होता परिंदों का सर्टन कैटेगरीज इंस्टाग्राम पे अच्छी चलेंगी बहुत प्रोफेशनल कैटेगरी होगी तो लिंकड पे अच्छी चलेगी बट डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया एंड पर्सनल ब्रांडिंग गिव इट अ ट्राई एवरीवन वेलकम टू अनदर एपिसोड आज हमारे साथ एक बड़े मेरे अच्छे दोस्त मौजूद हैं जो बड़ा उन्होंने लोगों को जो है मेरे मुझे मुझे कभी कभी लगता है गलत राह पे वो डाल रहे हैं आ, अपनी जो है वो काली काले डाले और पता नहीं क्या क्या वाइट वाइट डाला अभी उन्होंने पहले पता नहीं कौन सी गाड़ी मुझे गाड़ियों का इतना नहीं पता और फिर ये कि वो लोग हमारे पास भी आते हैं जी वो मेरे पास लिटरली लोग आए कि जी मेरी मीटिंग करा दें मैंने कहा यार वो तो इधर ही रहता है अब उनको आया कि जी पता नहीं सजावल साहब ने क्या जो है सोशल मीडिया पे अपनी गेम उठाई हुई है तो वो विला विलाशिला में रहते होंगे या वो पीछे ज़्यादा लोगों को हासिल और वो नहीं पता बट स्टिल विल ट्राई टू गो इन टू लिटिल बिट अबाउट हिज़ लाइफ लिटल बिट अबाउट द सेक्टर एंड विल जस्ट हैव अ गुड गपशप थैंक यू सजावल सर यूर वेरी वेरी वेलकम मेरा ख्याल है पिछला जो हमारा रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें भी हमने uh, जो एस्पेक्ट है ना इसको बड़ा है गाड़, है गाड़ियों का क्या कनेक्शन यार एक तो तो शौक यू लव कल बच्चा ऑफिस मिलने आ गया उसने ना बाकी सारी मार्केटिंग साइड पे हर चीज एक साइड पे कहता है सजावत भाई जो आपके पास गाड़ियाँ है ना हम दो दोस्त हैं हमें उन गाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए क्रेज की hey, बात लेकिन, है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा और एक्सपेंस अगर मैं देखूँ टेक्निकली तो कोई भी नहीं है पर रियल इस्टेट की मुझे ज़ाती तौर पर ना वो अट्रैक्शन है, है ना समझ में आती है और इसके अलावा कोई शौक है नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है या और मैं क्या ही करूँगी नहीं लेकिन ये नहीं लगता कि नॉट जस्ट यू जनरली ऑन सोशल मीडिया जो इन्फ्लुंस हैं आप हैं और और मतलब इनो सारे आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे वो थोड़ा सा लोगों को हम एक गलत उस पर भी डाल देते हैं कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लाइक आई हैव सीन इन योर वीडियोस के आखिर में होता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट द ओनली थिंग इसके पीछे पूरी पूरी रातें भी हैं अब आप अगर यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपका तो पूरी लाइफ बैलें मतलब वो भी कोई नहीं है ना वर्क लाइफ नहीं है लोगों को ये नहीं पता लोगों को ये पता है कि जी डाला चल रहा है और डाला जो है वो अभी डेजर्ट पता नहीं किस में आप गए हुए थे तो लोगों को तो सिर्फ वो नज़र आ रहा है आई थिंक इट्स जो आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं वो बड़ा जैन एंगल है वो समझ में आता है बट दर इज़ इट पर आई थिंक टू एक्सटेंट इट इंस्पायर एज़ वेल अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि बातचीत हो रही होती है सो फॉर एग्जाम्पल एक एंगल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो फॉर एग्जाम्पल टू बी वेरी ऑनेस्ट वॉट आई थिंक इज़ कि लोग ना uh, गाड़ियों को देख के खुश होते हैं ना इंस्पायर होते हैं

इसको उल्टा देख रहे हैं ना दे, दे सी के अच्छा अगर ये है ना तो शायद मार्गला रोड पे इसका को घर भी होगा हाँ इसने शायद गुची भी पहना होगा लेकिन अब जनरली अगर बात करें तो आ, जो अगर आप रेशो निकालें तो मार्गला रोड के घर की रेशो और आ, जो एक रेवो का नया मॉडल है उसकी प्राइस रेशो में इट्स आई थिंक वन रेशो हंड्रेड ये एक करोड़ का भी मिल जाएगा वहां पे सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है राइट सो देर आर बिग बॉयज राइट जिनके पास शायद रेवो भी नहीं होगा बट बट दे माइट हैव टू प्रॉपर्टीज ऑन द मार्गला रोड सो आई थिंक दीज आर द बिगर बिगर पिक्चर थिंग्स बट इट कम्स डाउन टू के अब इंडिविजुअली मेरा एक शौक था पूरा कर लिया सो नाओ यू नो मे बी अगले दो साल में ये शौक ना हो फिर लेकिन मुझे

सो so, अबू की जब कॉल आई तो फिर उनका भी एक कंसर्न था वो थोड़े से खफा भी हुए थे कि यार ना लगाओ कहीं पे तो hmm. so, मैंने भी उन उनको ये जवाब दिया कि ये फॉर एग्जांपल समवन सीइंग अ स्नैप ऑफ डाला नाउ बट द रियलिटी इज़ कि यार मैंने जिस तरह ये वाली स्नैप लगाई थी मैंने तो वैगन की भी लगाई थी स्नैप्स मैं तब लगा रहा था जब वैगन भी नहीं थी राइट right? सो so, मैं जो स्नैप्स लगा रहा हूँ या जो मेरा कॉन्टेंट है वो सेविक पे रॉको पे वैगन आर पे इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है mm. वो जब नहीं था मैं तब भी उतना ही लगा रहा था ठीक है तो नाउ दैट यू नो देर इज़ अ गुड चंक ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी फ्राम लास्ट सेवन ईयर्स जब से मैं सोशल मीडिया mm. इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट right? तो उनको ये चीज़ समझ आती है कि यार ये बंदे की आदत है mm. और mm. एक मेरी हैबी ना आई ट्राई अ लॉट कि मैं इस चीज़ को कम करूँ कम से कम शेयरिंग करूँ जो मैं करता भी हूँ कई जगहों पर नहीं खुद को रोक आप That, हैं कहाँ से ऑनलाइन तो हमने देखा यूर नॉट फ्राम एक, एक पूरा हसल आ, का वो एक, 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 क्या उसको कहना चाहिए एक जर्नी है आ, और उस तरह मतलब क्या कहाँ सा शुरू हुआ ये सब कुछ बेसिकली फ्राम जंग पंजाब Uh, से साहबा के से हाँ, वो मेरे टाइम पे जब मैं जंग होता था तभी सारी चीजें वहाँ पे एक्टिविटीज बहुत पीक पे होती थी तो मैंने काफी क्लोजली देखी हुई हैं तो वो बैक इन दॉ बेल्ट बहुत जुलूस और ये चीज़ें काफी ज्यादा होती थी बट खैर में मेट्रिक के बाद मैं जंग से चला गया था आई वेंट टू लाहौर दो साल वहाँ गुजारे थे uh, से हुई हाँ जी इट वॉज अ बोर्डिंग कॉलेज Uh, how was that experience that was actually the very first you know the turning point uh, kyunki boarding ka ek experience apna hota hai uska ek exposure apna hota hai aap jab independent hote ho wo jo confidence build hota hai i think that that was the very first starting point उसके बाद फिर उसके बाद बोर्डिंग के बाद, बाद, बाद मैं इस्लामाबाद आया था और अब तकरीबन तो आई थिंक सात सात साल हो गए यहाँ पे और are you as a student? Uh, very average, very average. Back bencher. Uh, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि केप्स में जहाँ से मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा था uh, एडमिशन टेस्ट की तैयारी होती थी एंट्री टेस्ट की हम मैंने केप से की थी यूनिवर्सिटी के लिए हाँ जी सो so, वहाँ पे परसेप्शन ऑफ ऑल द टीचर्स के मैं वो नीचे हम यू नो सलांटी खाते थे कोक पी रहे होते थे नीचे बैठ के ऊपर क्लास चल रही होती थी तो दे ऑल वर लाइक के कर लो एंजॉय एडमिशन तो वैसे भी नहीं होना तो वो उनके जेहन में पक्का ये था कि यार मुझे तो दाखिला मिलना ही नहीं, नहीं है कहीं पे मतलब ताने पड़े मैं काफ़ी वो हो ऐसे वैसे so वो सबसे ज्यादा हर्टफुल क्या था नहीं था होता हो हर्ट कुछ शुर। में कुछ शुरू में जो तो स्टार्ट विद ऑफ तो कोर्स वो मेरा ख्याल है वो उससे भी या उस सीरियस उतना लिया ही नहीं आई थिंक अब मे बी यू फील लाइक यार वो ज़्यादा कर रहे थे वैसे मेरे साथ करते हैं ना वो तो अभी भी कई लोग करते हैं मतलब यू नो खास तौर पे हमारे इलाकों में ना वहाँ पे अगर आप पढ़ नहीं ना रहे हो तो वो आप उनकी नज़र में अगर ग्रेड्स नहीं आ रहे आप पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल फारे तो आप फारे फारेगो फिर आप यू you नो know, आपको कोई मुस्तबिल नहीं।, नहीं है सो so ये एक यूजली परसेप्शन होती है बट इसी के साथ अगर मैं रिलेट करूँ तो आई फील सैड दिस दैट ऑल द टॉपर्स ऑफ माई क्लास एट दैट टाइम जिनकी वो होता है ना कि अक्सर स्कूल कॉलेज के बाहर बच्चों की वो पिक्चर्स लगती हैं नीचे बड़े उनका नाम छोटा लिखा होता है उनके नंबर बड़े करके लिखे होते हैं ग्यारह में से ग्यारह नंबर आए हैं mm. इसके ठीक है आई फील bad अगेन टू while mentioning दिस के उनमें से ज़्यादातर उसी शहर में रह गए और वो यूनिवर्सिटी में नहीं गए कोई छोटी मोटी किसी ने दुकान mm. डाल ली अपनी uh, एक ज़्यादातर वहाँ से फिर मेजॉरिटी होती है जो सरकारी यूनिवर्सिटियों में जा रही होती है राइट सो नाओ यू नो एट द मोमेंट आई सी वेरी रेयर इट्स वेरी रेयर दैट आई सी सम ऑफ द टॉपर ऑफ़ माई बैज या मेरी उस कम्यूनिटी में से कोई बंदा जो मुझे इस टाइम मार्केट में नजर आएगा इट इज़ वेरी रेयर देर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनको लाहौर में मुलाकात होती है जिनसे बट मेजोरिटी विच द ऑल ऑफ दो स्टूडेंट जो टॉपर्स थे जो हाई अचीवर्स थे दे ऑल वर सपोज टू बी लीडिंग एवरी थिंग नाउ यू सी दैम नो वेयर राइट तो इस तरह का वो एक ओवरऑल कल्चर घर का क्या का माहौल था आपका शुरू बचपन में लाइक इफ 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 आई आई आस्क यू के इफ़ यू लाइक क्लोज योर आईज एंड गो बैक टू योर घर में हाउ वाज द अपब्रिंगिंग हाउ वाज द माहौल हाउ वाज लाइक यू नो द सराउंडिंग मेरे वाल साहब शुरू से ही ना वन क्लास से ही ये मैंने आपको बताया कि मैं टेंथ क्लास में झंग uh, से निकला था राइट मैं उससे भी पहले वन क्लास में जब मैंने आना था तब मैं जंग आया था उससे पहले मैं देर इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन नियर चिन्योट ठीक है मैं वहाँ था तो नर्सरी और वो जो के जी ये चीज़ें होती है, मैंने वहाँ पे की द गुड थिंग वॉज कि मेरे वाल साहब शुरू से ही वन क्लास से ही उनको था कि यार पढ़ाई पढ़ाई के लिए मूव भी करना पड़ेगा और बच्चों को ना तलीम अच्छी मिलनी मिलने वो किस उसमें सेक्टर में थे uh, वो कारोबार में बिजनेस में जो वो कह लें कि इन, इनहेरिटेड सारा कुछ चलता आ रहा था चनेट में तो वो लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वो है बट मेरे वाले साहब पेट्रोल 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 वाला है हुँ. जो दादा वो और वो पहले से दा, पाकिस्तान की पार्टीशन से भी पहले का बाद में वाले साहब के वो टेक केयर कर रहे हैं साथ एक और इलाका है सो so बेसिकली ये आ, वो सारी चीज़ें तो, क्योंकि वो वालद साहब बड़े थे सबसे hmm. तो उन्होंने टेक केयर किया इन चीज़ों को बट uh, मैं फ्राम द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज वेरी डिसकनेक्टेड विद डैट ओवरऑल सिस्टम क्योंकि जो मेरी और वालद साहब की तरफ से जो तोज्जो थी वो पढ़ाई पर थी तो मैं आपको बता रहा था कि मैं वन क्लास में झंग आया था क्योंकि वो चिन्ह से निकल के झंग आया था फिर वन से ले कर टेंथ तक झंग वॉज गुड एनफ तो वहाँ पर फिर पढ़ा और uh, फिर आगे वाला अलहमदिल्लाई थिंक वेरी गुड शुरू में और था मतलब आप समझने के यूनिवर्सिटी तक आई वु टिपिकल एंड कन्वेंशनल जिस तरह से होते mm. हैं uh, जाहिर है वो पहले uh, थोड़ा सा स्ट्रेक्ट पढ़ाई के हवाले से ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस uh, नहीं थी Uh, but what बट वट uh, I have felt is कि जैसे शुरू में uh, हर वाले की टॉप प्रोरिटी होती है कि बच्चा टॉप करे ठीक हो गया आई है लास्ट फोर टू फाइव ईयरस वो फिर मेरे साथ भी हुआ वो वो क्योंकि उन कुछ चीजों की समझ आई देखने के बाद तो वो, वो नीचे वाले उन सारों के साथ नीचे वालों के हो लिए हुँ. वो चीज डिफरेंट है राइट right? अच्छा इस ये जो ऑब्सेशन है पेरेंट्स की मार्क्स के साथ ये ये, वो, वो, ये क्या है क्योंकि मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने टाइम पे ना यही देखा यही देखा है ना कि जो टॉप के नंबर्स होते थे जिनके वो टॉप तक जाते भी थे uh, like कुछ अर्सा पहले तक ये चीज आई थिंक इट वाज वेरी वैलिड अभी भी आप इसी तरह देख लेंगे सी एस एस में जो मेरी समझ है वो यही कहती है मुझे कि जो टॉप नंबर्स वाले होते हैं वो आगे जाते हैं ठीक है तो मेरा ख्याल है ये वो वाला माइंडसेट है कि वो जो बच्चा एफ और इसमें टॉप नंबर्स लेता था वो सी करता था फिर टॉप के नंबर्स लेता था अफसर लग जाता था तो आई थिंक कि uh, हमारे जनरली हमारे माँ बाप ने वो वाली चीज़ें देखी हुई हैं तो वो अभी उस माइंड के साथ ज़्यादातर आते हैं अनलेस दिस समथिंग एल्स जैसे कि मेरे केस में हुआ तो मेरे भाई को अबू की क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसकी दफ़ा 180 डिग्री पे शिफ्ट हो गई वो कितना छोटा था आ, वो अभी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में ऑफ बी है तो आप उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि पढ़ाई करो जस्ट बी गुड एनफ स्किल्स पर ध्यान दो तो ये अब आप उसको समझाते हैं तो so, वहाँ भी यू फील लाइक एक एवोल्यूशन आ रही है इस्ता, इस्ता। 100%, 100. लेकिन ये ये मेरा ख्याल है ये वैसे नहीं आ रही तब हाँ। जैसे कल एक बच्चा आया हुआ था आ, वो ऑनलाइन काम करना चाह रहा था और कहता कि मेरे घर वाले इस चीज को लेके बहुत परेशान है कहते है मुझे करियर का मसला नहीं है कहते है मुझे मसला ये है कि मेरे काम से घर वाले परेशान है कहता है कि मैं रात को जाके काम करूँ तो मेरी अम्मी परेशान हो जाती हैं क्या रहे हो तो uh, मैंने उसको भी यही बात की मैंने कहा उनको पता नहीं है ना जब तक एक बंदे को पता नहीं होगा माँ बाप तो आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं ठीक है अगर हमें आजकल हमें हम यू नो यू सी टेलिंग अस दैट यू नो आवर पेरेंट्स आर टॉक्सिक ठीक है बट इफ यू इफ यू ब्रेक दैट डाउन आई थिंक वो माँ बाप तो अच्छा चाह रहे हैं आपके लिए Uh, लेकिन उनका अपनी, exposure उस है। वो उस exposure और उस समझ के मुताबिक अच्छा चाह रहे हैं जो कि आपके लिए ऑपोजिट है और से से के फिर किस चीज़ में था आपका engineering. So, वो आया uh, ऐसे समझ ले कुरी हुई थी उसकी ओके <laughs> okay. मुझे भी आईडिया नहीं था uh, मेरे वालिद साहब को भी आईडिया नहीं था तो आई रिमेम्बर कि वालद साहब ने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया फिर कि क्या करना चाहिए और okay. उस टाइम आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिलेटिवली और वो एक जेनवन डिग्री समझी जाती समझ रहे हैं। जैसे और पूरी कम्प्लीट की हम्म पूरी कंप्लीट हाँ एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगा था जो कि शायद पहली दफ़ा पब्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो गई थी ओके okay. या हो गई थी आ, सो so, ये सीन है। और क्या जी वो की अब गुजारा चल रहा था वहाँ okay. uh, uh, वो मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा देखने लग गया था सो mm डिग्री -hmm. so, uh, को मैंने बिल्कुल ही ना यू नो आई टूक इट वेरी फॉर ग्रांड्स वाई आई गॉट लाइक उससे बहुत ड्रॉप हो गया था फिर मैंने यू नो कवर कर लिया था उसको बट आई एंडेड अपैट टू पॉइंट नाइन सेक्ट और सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टू दिस ऑनलाइन वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग मार्किटिंग इंटरनेट से पैसा बनाना वो कब हुआ लाइक यू फर्स्ट फर्स्ट लाइक यू नो यूनिवर्सिटी के छःवें सातवें सेमेस्टर में और वो क्या क्या आ, क्या हुआ वो इस तरह से मुझे मुझे क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी में मैं आ, हमारा उस तरह से ना खानदान में या बैकग्राउंड उस तरह से एजुकेशन ओरिएंटेड उस तरह का नहीं है तो आप समझ लें कि अब ज़ाहिर है आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी या फैमिली की तरफ से मिलेगी या फ्रेंड्स की तरफ़ से मिलेगी ना फ्रेंड्स उस तरह के ना यू you नो know, तो वो आपने मशवरा ही लेना है फिर इधर जैसे मेरे वाले साहब दोस्तों से मशवरा ले रहे हैं आ, हमें कोई मिल जाए तो हम उससे मशवरा ले रहे थे तो मेरा इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में भी ना उसमें भी अब चीज़ें डिफरेंट ट्राई कर रहा हो ना कि और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि यू you नो know, आप पिछले चार पाँच साल मेरा ख्याल शायद हर किसी के साथ होता होगा आई कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट के मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स या करियर चेंजिंग मोमेंट्स कौन कौन से थे hmm. देन उस दिन स्टार्ट हुआ था जब समर uh, ब्रेक हुआ पाँच सेमेस्टर का और uh, सब टीचर्स को और हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार इंटर्नशिप मुझे अभी भी याद है हम लोग मैं तो मेरे दो हम ना पाँच हज़ार रुपये की इंटर्नशिप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिली तो दैट लेड टू अनादर थिंग दैट लेड टू अनादर थिंग इस तरह ओवर लास्ट फोर फाइव ईयर्स आए एग्जैक्टली नो हाउ थिंग्स हैपन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और उससे क्या फ़र्क पड़ा था ठीक है तो वो काम की भी समझ तब आई थी जब चार पाँच काम किए कुछ नहीं हुआ जहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती थी ये वाली चीज़ काम कर रही है उसको फिर थोड़ा ज़्यादा परसू किया सो so वो अगर इफ़ आई आस्क यू कि कौन से आपकी जिंदगी में चार पांच बिग पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं नंबर्स के ऊपर बात करते हैं आप ऐसे समझ लें कि आज से चार साल पहले या तीन, तीन चार साल पहले लाख रुपया वॉज लाख रुपये की इनकम पर मंथ वॉज एन आइडियल गोल फॉर मी लाख रुपया समझ रहे हैं आप वो वाली फील लाख रुपया वो भी था नहीं कि वो एक मिशन था एम था, था गोल था हो जाए तो क्या ही बात होगी समझ रहे हैं ये चार साल पुरानी बात है ये चार चार साल पाँच साल पुरानी बात होगी तो अच्छा अब उसमें क्या हुआ कि कोशिश करते थे मेहनत करते थे आई वंस हैड टू जॉब्स टू रेगुलर जॉब्स एट 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 वन एट वन टाइम राइट सो so, वो दो जॉब्स मिला के कुछ और प्रोजेक्ट्स मिला के ना मैं कर पे बनाने लग गया था ठीक है 15, 18 और पंद्रह अठारह घंटे टाइम को तो भूल जाए टाइम को तो भूल जाए उसका तो कोई ट्रैक नहीं था ना फिर वो बारह घंटे हो या अठारह घंटे हो वो भूल जाए आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में था मैं तब डिग्री भी चल रही थी शायद मोस्ट लाइकली अब हुआ क्या कि मेरे लिए वो गोल तो कर लिया मैंने ना क्रिप्टो शुरू की आई लॉस्ट बारह तेरह लाख रुपया इन वन वीक और तब मैं मुझे याद है कि मैं ये सोच रहा था, था यार ये तो मेरा एक साल की इनकम थी और वो बारह तेरह आए कहाँ से थे वो कुछ मामू के थे कुछ अब्बू के थे कुछ मेरे थे इस तरह से थे वो नया नया पता लगा मामू से भी पैसे मांग लिए अबू से भी मांग लिए खुद के भी लगा दिए जीरो लिटरली जीरो ठीक है आप नहीं समझ आई क्या करना है क्योंकि अब वो दिमाग कहाँ पे था लाख रुपए पे गवाह कितने दिए बारह लाख रुपया समझ ही नहीं आ रही अब क्या करें उस टाइम पे ना अब अब सडन गोल चेंज हुआ ना इस महीने अगर लाख रुपया बनाया तो अगले महीने कोशिश किया बारह लाख रुपया रिकवर सबसे पहले तो वो करना तो है उसने ना एकदम दिमाग को ना बहुत खुला कर दिया यार अब अब कोशिश बड़ी चीज के लिए कर रहा था मैं कि मुझे वो लॉस किसी तरह रिकवर करना राइट वो वन ऑफ द वेरी यू नो फर्स्ट इट वॉज इट 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 चेंज एवरी थिंग फॉर मी क्योंकि मैं hmm. चीज़ों को डिफरेंट एंगल से अब देख रहा था ना क्योंकि अब मुझे पता था कि यार मैं बारह लाख रुपये हफ्ते में उड़ा रहा हूँ तो मैंने अभी एक साल लगा के तो नहीं रिकवर करने hmm. मुझे जल्दी रिकवर hmm. करना है ये सो दैट वॉज द टाइम फिर आप ऐसे समझ लें कि एक और आई वट आई फील लाइक यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल इट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर मी एंड टेट इट हैज़ मेरा पार्टनर जॉब मेरा पार्टनर है हमारी जो पहली रेंडम ही डायरेक्शन हुई थी ना काम के सिलसिले में हुई थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक शायद आपके साथ रैंडमली डिस्कस हुआ हो कि वो मुझे कहता मैं अब यहाँ पर ना डिसेंट बना रहा हूँ पैसे दो तीन लाख रुपये बना रहा हूँ तो इसने आके मुझे कहा कि यार इस तरह मेरा क्लाइंट है उसको मार्केटिंग चाहिए मैंने कहा हो जाएगी पैसों सारी वो डिटेल्स के बाद पैसों पे बात आ गई कितने पैसे लेने हैं तो आ, मैंने कहा सजेस्ट कर दो क्योंकि मैंने कहा तुम्हारा ऑलरेडी क्लाइंट है तुम्हें बेहतर पता होगा कितने पैसे दे सकता है या हमें कितना चार्ज करना चाहिए ही वॉज़ लाइक कि ठीक है हम ना एक हज़ार डॉलर करेंगे और ये लोकल <laughs> क्लाइंट था बाहर का बाहर का था तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए अब गन हज़ार डॉलर उस टाइम भी डेढ़ दो लाख रुपया तो बनता था मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी हमने कहा ठीक है मतलब ओके था बात हो रही है बात हो रही है हम तीन लोग बैठे हैं दो चार मिनट बाद ना एक उसने अजीब सी बात की हमें हमने कहा यार वो नहीं एकदम दो शॉक हुआ था ये क्या इसने कहा मैंने अपने दोस्त की तरफ यूं करके देखा उसने भी यू ही देख रहा था उसको भी समझ आ गई थी दो मिनट बाद हमें रियलाइज हुआ कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वन थाउजेंड पर मंथ वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउटेंडर्स पर वीक क्योंकि वो आप वक्त पे काम करता था आप वक्त पे वीकली बिलिंग होती है अगेन यू नो वो पहले मैंने आपको पता एक दिमाग तब खुला था जब लॉस हुआ था इस मोमेंट पे जब वो क्लाइंट साइन अप हो गया ना तो मैं डिनाइल में था कि यार इतने पैसे कहाँ पे आ सकते हैं पहले दिन पहले हफ्ते की जब ट्रांजेक्शन हिट हुई थी ना अकाउंट में उस दिन गेम चेंज हो गई थी उस दिन लिटरली गेम चेंज हो गई थी आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक क्लियर हुआ क्या हुआ था ये राइट कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और हमारा स्टार्ट क्या हो गया

आई रैंडमली गॉट दिस जॉब इंटरव्यू यू एस में जिसने फिर मेरे करियर को छक्के लगाए थे ठीक है जो आपको वो यू एस वाला एक्सपोजर में बताता हूँ वो, वो हुआ कैसे है हाउ इट ऑल started? बॉयज को मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे uh, उन्होंने पोस्ट, पोस्ट लगाई थी यही uh, uh, हायरिंग के वाले से मैंने रिप्लाई कर दिया उसने कहा फॉर्म फिल करो मैंने कर दिया मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा मैंने कहाँ वो यू के पिग बॉयज़ हैं उन्होंने कहा इधर बैठे बंदे को यू नो साथ अपने रखना टीम में मैंने वो फिल कर दिया मुझे याद है मैं गुलबर्ग में था उस टाइम ना तो मुझे इसका मैसेज आता है आई यू अवेलेबल फॉर अ क्विक इंटरव्यू आई सेड यस मैं गाड़ी में बैठा था तब वैगन आर थी मेरे पास uh, अच्छा उसने भी कहा कि क्विक इंटरव्यू राइट और आपने हो right गया okay. uh, मैंने कहा ओके वाई नॉट क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं तो कैमरे लगा के पता था इतनी तैयारियां करके बैठा होता मुझे अभी भी याद है हम खड़े हुए थे गुलबर्ग एंट्रेंस के ऊपर मेरी गाड़ी मैंने साइड पर लगाई थी मेरे साथ दोस्त था मेरा और मैंने मोबाइल पर ही वो कॉल ले ली थी और मैंने कैमरा ऑन किया था गाड़ी की लाइट में सारी बातें ओके हो गई आई फेल्ट लाइक ही वॉज़ वेरी मच सेटिस्फाइड उसने पूछा द सैलरी एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे इफ़ आई वॉज एन एवरेज मार्केटर इन पाकिस्तान लाइक आई यूज़ टू बी मैंने 200 500 600 डॉलर बोल देना था यही कुछ है ना लाख रुपये डेढ़ लाख अब हमारा वो पहले एक झाका खुला हुआ था उस चीज़ का मैंने साथ दोस्त किया तो मैंने कहा अब क्या बोले कहा था 4000 बोल दे मैंने कहा ना कर देगा मैं नहीं हायर hmm. करेगा नहीं समझ आती मैंने आ, हमने ना एवरेज निकाली मैं 3000 कह रहा था दोस्त 4000 कह रहा था हमने 3500 डॉलर्स हमने बोल दिए अगर द वेरी नेक्स्ट हिज हिज सेंटेंस वाज दिस इज व्हाट वी कैन डू आई सेड ओके राइट अगले दिन हायरिंग हो गई थी सो so, ये दो तीन बोथ मेजर uh, वाई इट देवर मेजर नॉट बिकॉज ऑफ द मनी बिकॉज उस एक अपॉर्चुनिटी uh, ने मुझे ग्लोबल एक्सपीरियंस दे दिया द काइंड ऑफ अकाउंट आईव वर्कड ऑन द काइंड ऑफ पीपल इंटरेक्टेड विद वो नेक्स्ट लेवल चीज थी सो देन यू अंडरस्टैंड ओके इट्स ऑल अबाउट वॉट यू थिंक हेयर इफ यू कैन थिंक हेयर दैन थिंगस कैन हैपन लाइक इट है अदरवाइज हम तो सिर्फ सुनते हैं ना हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आप चीज़ें सोचते हो, हो जाती हैं और सोए रहे हैं हाँ, वो हो जाएगा। right? Actually, यार. मतलब मैंने तो अक्सर इन चीजों को मैं रिकॉल करता हूँ याद करता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि अगर हमारे ये चीज़ें माइंड में ना होती कभी नहीं थी इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स वेरी सिंपल आप पाकिस्तान में अगर इफ आई कम टू अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ फॉर अब इफ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि यू कैन ऑफर मी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से तीन लाख रुपया अगर मैं खुद आके आपको एक्सपेक्टेड सैलरी साठ हज़ार रुपया बताता हूँ अपनी mm. जो कि यूजली एंड मेजरली इन पाकिस्तान पीपल गेट हैप्पी विथ सिक्सटी सेवेंटी एटी थाउजेंड मंथली सैलरी एज अ बिजनेस आपको पता था आप मुझे दो लाख रुपए दे सकते हो अगर मैं एक्सपेक्टेड सैलरी साठ हजार बोलता हूँ और आप मुझे आगे से काउंटर ऑफर में आप कहते हो और बढ़ा देता हूं hmm. मैं आप मुझे अस्सी हजार रुपया सैलरी ऑफर करते हो मैं भी खुश आप भी खुश राइट सो वॉट इफ मैं एक्सपेक्टेड ही आपको दो लाख रुपया बताता या मैं चार लाख hmm. आपको बताता आप निगोशिएट करक करके दो लाख तीन लाख पे आते सो दिस इज दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार आप दुनिया के कमाल मार्केटर हो आप दुनिया के कमाल किसी एक चीज़ को लेकर टैलेंट है आपके अंदर आपने अगर अपने आप को वैल्यू करके अगर आपने डिमांड ही ज्यादा नहीं की तो क्यों को ही आपको ज्यादा देगा लेकिन उसमें डोंट यू थिंक कि अक्सर हम ओवर वैल्यू भी कर जाते हैं और उसमें वर्क एथिक्स मतलब छोटी छोटी चीजें भी तो बहुत ज्यादा ना एज एन एग्जाम्पल काम तो मिल गया आपको बट वो अब गोरे के साथ आपने काम किया हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं पढ़ाई मुझे है, बाहर पढ़ने का मौका मिला वहाँ तो आपने ई अगर एक दो घंटे में रिप्लाई नहीं मारा तो इट मीनस के भाई जान ये बंदा ऑफ है और फिर कम्युनिकेशन कैसे करनी है आपने सारा करना है हाँ जी, तो वो वो हाँ वो चीज़ भी कितनी इम्पोर्टेंट और स्पेशली अगर आपका बाहर का क्लाइंट है तो आपकी पूरी रात वाला साइकिल चल रहा है ज़्यादातर तो ये कि छोटी छोटी वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोटेंट मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा था

आपको अपने आप को वैल्यू करना चाहिए अब दो चीजें ना या तो हवा में वैल्यू रखोगे आप hmm. अगर आप ये इस तरह की चीजें इस तरह की थॉट्स आप रख रहे हो तो ये सारी चीजें ऑन टॉप ऑफ बींग कॉम्पिटेंट है hmm. या आप, यू नो आप अपने आप का कॉन्फिडेंस स्किल्स कम्युनिकेशन इन सारी चीजों को ऑन पॉइंट करने के बाद True. फिर ये वाली बात होगी जो हम कह रहे हैं टू वैल्यू योर सेल्फ टू ask for more if you hmm. think that आपकी worth ज़्यादा है hmm. so this is what I think क्योंकि अभी recently uh, I think बाहर का बंदा था जो पाकिस्तानियों को ज़्यादा वो हायर करता था ऑन फाइवर और आप उसने एक लिंगडन में पोस्ट की जो बड़ी कम्यूनिटीज़ हाँ, में वायरल हुई उसने कहा पाकिस्तान द वर्स्ट पीपल टू वर्क विद स्पेशली ऑन फाइवर बिकॉज अब ये अपोजिट नरेटिव है पाकिस्तान में hmm. कि जी पाकिस्तानी सस्ता काम कर देते हैं हम लोग यहाँ से सस... hmm. उसने कहा था कि दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे डोंट डिलीवर ऑन टाइम अब मे बी उसका एक्सपीरियंस इस तरह का है बट ये भी एक बहुत बड़ी वजह ना अब ये जो आजाद चाय वालाज एंड साके बज़र्स एंड ये सारा जो एक वो कर रहे हैं या जनरली और भी बहुत ज़्यादा लोग ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग अब आप अगर एक साइलो में घर में बैठ के पूरी रात काम कर रहे हैं यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट मैं आपको अगर बाहर कहीं कॉफी बुलाऊंगा तो आपसे बात भी नहीं होगी आप चार भी नहीं बोलेंगे आपको ड्रेसिंग नहीं करनी आपको लिखनी काम yeah, तो मतलब मैं भी वही कर रहा हूँ मेरे नीचे वाला भी वही कर रहा है थोड़ा बहुत प्लस माइनस है तो वो वाली चीजें भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे अगर किसी चीज़ ने फ़ायदा दिया तो वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी वो मेरी बाकी स्किल्स थी कम्युनिकेशन ब्रांडिंग कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग कनेक्शन बिल्डिंग नेटवर्किंग इन चीज़ों ने फायदा दिया स्किल्स तो क्या है बाकी सबके पास है जो लोग सीख भी लेते हैं क्या दो हफ्ते लगेंगे चार हफ्ते लगेंगे जो एक महीने में सीखेगा वो दूसरा वाला शायद दो, मतलब, दो महीने में कर लेगा लेंगे हो जाएगा जो उसे आता होगा बाकी चीज़ें यू नीड टू लर्न दैम अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है बहुत मुश्किल है आप ये जिन इधारों की हाउ डू यू सी लाइक से लाइक आजाद चाय वाला ने मेरे ख्याल से प्रॉबलीयर और लाइक कुछ और होंगे फिर साके बजर और उसके बाद और लाइक काफी ज्यादा लोग ठीक है वो सारी चीजें हैं बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग द फ्री लांसिंग ना आप सारे बच्चों को अगर जोम्बीज बना के अंदर फेंक देंगे वो काम रोबोट्स की तरह कर रहे हैं उसको बात नहीं करना आती उसके पास कोई सोशल स्किल नहीं है उसको ये नहीं पता कि आपने ई और कम्युनिकेट किस तरीके के साथ करना है वो ठीक है अमेजोन पर दस दुकानें लिया मैं बैठ के बना रहा है बट दुनिया तो उस लेवल से फिर एक ऊपर चली जाती है ना अब आपके मतलब आई डोंट वांट टू नेम इट ऐसे यूट्यूबर्स बन गए हैं प्रैंकर से यूट्यूबर्स तक का सफ़र बट वो बंदा जब बात कर रहा हो करो आपके यार मतलब इस बंदे को एक बात नहीं करनी आती कि आपने hmm. क्या किसी से पूछना है और yeah, क्या नहीं true. पूछना बिकॉज द नंबर्स इज़ नॉट ओनली द गेम ना कि जी मेरे दस व्यूज मिलियन आ गए तो उसके पाँच मिलियन है लाइक डिपेंडिंग ऑन कि आप किस जोन hmm. में खेलना चाहते हैं मैं इसको डिफरेंट परस्पेक्टिव में लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप जो शाम से बोरे शाम भाई ही टॉक्स अ लॉट अबाउट कम्युनिकेशन वो आप वो किसी भी चीज़ की क्लास होगी तो वो कम्युनिकेशन को बहुत पुश hmm. करते हैं आई थिंक uh, मैंने पर्सनली जितना देखा है इन चीज़ों पे बाकियों को तो इतना फॉलो नहीं किया सनीयली so, really, इन चीज़ों के ऊपर पुश करते हैं बट आई फील लाइक के उन्होंने फॉर एग्जाम्पल पिछले दो चार साल में ना जो कुछ भी किया लेट्स कॉल इट जो कुछ hmm. अच्छा है बुरा है जो हमने कहना है कह लें आई थिंक लाइक इट वॉज लाइक स्टिल बेटर दैन एट ऑल राइट यू नेम इट इवन इट इवन जो कुछ भी आप like we you know, uh, जिसपे होंगे बेटर देन डूइंग नथिंग अगर कोई जिस मर्जी का भी स्टूडेंट होगा आई पर्सनली फील लाइक मस्ट बी एट अ बेटर पोजिशन अदरवाइज अगर नहीं होगा तो उसे ना कुछ चीजों की समझ आ, जाएगी। कि यार, ये एक, नहीं करना समझ आ जाती है कि यार हमने इस तरह की बातों से दूर रहना है फॉर एग्जाम्पल ये चीज लोगों को समझ आ जाती है बट बहुत ज्यादा फेक स्टोरीज भी नहीं आई और यू नो इन दो तीन नामों में से लोगों पे इल्जाम भी बहुत ज्यादा लगे बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा मेरा ख्याल ये है कि कुछ को कुछ कुछ जेनवन फेक स्टोरीज़ थी फिर पर्सनली जो मैंने फॉलो किया फिर ऐसे भी लगता है कि यार ये उनके लिए फेक स्टोरीज वाली चीज हाईलाइट कर रहे हैं ये उनके लिए कर रहे हैं यू नो एक दूसरे के ऊपर तो पॉडकास्टर जो है वो हाफिज अहमद ने कहा जी मैं वो मुझे कहते थे कि जी इनके खिलाफ आप कॉन्टेंट हाँ, बनाए तो वो वाला आप वो चीज समझ में नहीं आती मेरा ख्याल है not, uh, like ना कि एक जगह आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं जिंदगी बदले फिर आपका एम्प्लॉ या जो भी यू नो वो था बंदा

आप अपनी बेगम भी एडवरटाइज कर रहे हैं आप अपने बच्चा भी एडवरटाइज कर रहे हैं आपने अगर कोर्स बेचना है उसके लिए भी सब कुछ हो रहा है सो so, यार बिक जाए बस मतलब बेच दो इसको जैसे भी है एज अ सोसाइटी लाइक इट्स एक बड़ी वाहियात मीम मेरे जहन में आई इस चीज़ को जो एक टिकटॉकर बड़ा मशहूर हुआ था आँ... Anyways, अपनी फैमिली के साथ ढूंढके तो वो किसी को इंटरव्यू देते हुए बहुत you know, so uh, तो ही पथेटिक साइड पे चला जाता है बट इन सच कॉन्टेंट इवन इफ यू लुक एट समीसेंट थिंग आई डोंट थिंक कि एक एवरेज बंदे को वो चीजें डिसेंट देन आप इसको ऐसे देख लेना कि आप यूट्यूबर हैं आपने आप देर इज अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑफ पुटिंग आउट कॉन्टेंट रिलेटिंग द मार्केट स्टे ऑन यू नो यू नीड टू बी ऑन ट्रेंडिंग सम देन आई थिंक यू एंड थिंग्स विच शायद डोंट मेक सेंस डू थिंक हो रहा है भी? 100 में तो बट आई थिंक लेट इट बी आई थिंक लेट इट बी बिकॉज उसको देखने वाली भी ऑडियंस यही है लेकिन डोंट यू थिंक ये ठीक है ये चीजें होंको सिस्टम भी ऐसे डेवलप होता है बट एथिकली आप सोसाइटी को ला जहाँ लेके जा रहे हैं hmm. मतलब उसको फिर इतनी पैसे की हवस में आप ले जाएंगे ना उसने फिर सिर्फ पैसा बनाना है जॉब्स में ना फिर भी कुछ ना कुछ हाँ। है एग्जाम्पल ले लेते हैं मतलब जस्ट भी ऑनेस्ट उस तरह लाइक आई एम नॉट नाइव के यार गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर में ब्राइबरी होगी कि यार रिश्वत लो बट कहीं ना कहीं तो लिमिट्स लगी हुई है ना टीवी के ऊपर आप जो मर्जी बोल दें अभी भी आज़ाद है बट कुछ तो लिमिट है ना यूट्यूब पे जब अगर एक बच्चा जिसका जिसकी तरबियत भी कोई नहीं उस तरह घर में हुई भी मैट से बहुत ही वो यू नो एवरेज या गरीब तो नहीं मैं कहूँगा मतलब तरबियत तो कहीं भी हो सकती है आपकी बट ऐसा बंदा कि जिसके पास इतना नहीं है और उसने जब एक ईजी मनी देख लिया है तो फिर तो ही इज़ लाइक ए यार आई डोंट इवन गिव अ शर्ट के मेरे पास कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है और मुझे अगर इससे एक चीज़ दूसरी आ गई है दूसरी से मुझे तीसरी आ गई है मतलब मैंने तो अब पैसा बनाना है आपके जितनी मतलब मुझे नहीं पता उस रैंकिंग वाइज बट

मुझे ये मैं आ, अपने आ, हमारे वहाँ पे हमारी जमीन पे ना कोई चार पाँच बैंक हैं तो उनके साथ ताल्लुक बड़ा डिफरेंट किस्म का है तो अभी इस दफ़ा जब जाते हैं फिर गपशप लग जाती है तो इस दफ़ा वो आ, म, अलाइड बैंक का मैनेजर मुझे बताता मैं आ, मैंने आ, मुझे ना अभी किसी ने कोई अकाउंट से ना कहता कि गलती से पैसे चले गए मुझे वापस भेजो तो मैंने उससे पहले पूछ लिया मैंने कहा यार कोई नया स्कैम तो नहीं आया हुआ मार्केट में कहता है यार भेज दो लेकिन ना इस चीज़ से भी मुहताद रहो कहता है उसने मुझे बताया उस इलाके के साथ लगता है डेजर्ट थर्ड डेजर्ट कहता है यहाँ पे कितने लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो उधर रेगिस्तान के बीच में बैठ के वो अपना पूरा पूरा सिस्टम स्कैम का चलाते हैं क्योंकि वहाँ पर शोर नहीं होता परिंदों का घर और इस तरह की वर्क स्पेसिस तो उनके पास है नहीं mm. तो वो उधर डेजर्ट में जा बैठते हैं दे डू दीज स्कैम कॉल्स ठीक है मैनेजर uh, मुझे कहता है कि वो बंदे इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि मजाल है आपको कहते हैं कहता है कि हमारे अपने बैंक का क्लाइंट था असिस्टेंट कमिश्नर था उसके साथ वो स्कैम हुआ और बाद में जब वो बंदे पकड़े गए तो वो वही ऑपरेट कर रहे थे जो थल में बैठ के यू नो रेगिस्तान में उन्होंने अपना साथ कंप्यूटर रखा हुआ फोन है फ़ोन करते हैं उनको इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन जो उनकी पेज है ना जो उनकी स्क्रिप्ट <्याँगी> है वो इंग्लिश के अंदर वो ऐसे बोलेंगे कि वो आपके वेमो गुमान में भी नहीं आएगा कि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है गुड़गांव गुड़ गाँव गाँ, पूरे वो वो जो एक, एक आई थिंक आई थिंक गुड़गांव है उनका जो एक वो इलाका है सो so उसके अंदर पूरा इको डेवलप हुआ हुआ है कि जी वो पिन भेज देंगे भेज दें हमारे लाइक आस पास होता है पढ़ा लिखा बंदा है वो जी पिन कोड आपके पास आया है ओ टी पी तो स्कैम्स यहाँ पे ना स्कैम्स जो लेट तरीके हैं ना उनसे भी ज्यादा खूबसूरती के साथ स्कैम हो गए यहाँ पे लोगों के पास टैलेंट है समझ है चीजों क्योंकि हम हैं तो जुगाड़ी नेशन ना वो फिर जब टेक में अब हाँ उसको अभी लगाएंगे अभी बात कर रहे थे ना पैसों की और ये सारी बिकॉज जनरली इफ यू लुक एट इट वी आर मनी फ्रस्ट्रेटेड राइट जनरली अगर आप देखें तो इसी तरह आप देख लेंगे यहाँ पे ना पैसे के पीछे ज्यादा लोग आएंगे इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ जहां in hmm. right? hmm. पर वो पैसे की बात करेगा ना तो वहां पर ही उसने बात करनी है वीकेंड देर इज अ क्वालिटी जिम यू नीड टू बी हेल्दी दे विल टेक्ट ऑफ लाइफ बट बिकॉज वॉट वी फील लाइक वी नीड मनी द मोस्ट सो वी आर जनरली आई थिंक

पंद्रह में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तो उस टाइम ही राइज आना शुरू हुआ सोलह सत्रह के बाद ही प्लेटफॉर्म्स हों या वो यूट्यूबर्स हों या वो इंफ्लुंस हों ये सारा सो हाउ डू यू सी दैट इंडस्ट्री अच्छा इस इंडस्ट्री में ना एक तो ये मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है जिसका आपको भी पता है मुझे भी पता है दैन एक इंडस्ट्री ये बीगो लाइव वाली भी है यहाँ पे ठीक है मुझे तो जब कोई नई बात उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगती है हम कहते हैं ये वाकई ये हो रहा है hmm. सारा कुछ द काइंड ऑफ मनी पीपल आर मेकिंग आउट ऑफ इट सो आई आई हैड टू विटनेस एन इवेंट ऑफ बिगो लाइफ वहाँ पे ना हर वहाँ पे दे दीज इन्फ्लुएंसर्स ऑल ऑफ द बिगो इन्फ्लुएंसर्स वर देयर ओके वो एक अलग कॉम है ठीक है ओ भूल जाए वो सारा कुछ उनके इंटरव्यूज हुए थे मैं देख रहा था सारा कुछ जहाँ पे वो बता रहे थे कि हाउ मच दे आर मेकिंग आउट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स नो बडी वॉज अंडर मिलियंस राइट मिलियंस की बातें हो रही थी सर अब हम तो यूट्यूब की बात करते हैं फेसबुक की बात करते हैं लेकिन छत्तीस एप्स ऐसी हैं जिसका आपको या मुझे पता नहीं पता नहीं। बीगो के अलावा कितनी है हुँ। वो मैस ऑडियंस को पता है यार मेरा कुक जो है वो अपनी आधी सैलरी बीगो लाइफ के ऊपर लगाता है Wow. You, you would, not I swear, मुझे ये पिछले हफ्ते पता लगा है कि वो अपनी वो ना मुझे उसने कहा कि बीगो के ऊपर ना पता नहीं इन का कोई नाम होता है मुझे कहता है कि जावल भाई ओ, ओ लेने आसी पता नहीं नाम भी भूल गया मैं क्वाइंस को कुछ कहते हुँ. हैं वो लेके ना वो फिर चाइना की लड़कियों के साथ बातें करता है पूरी पूरी रात विडि, विडियो। हाँ वीडियो के ऊपर वो अब अल्लाह जानता है कि वो सिस्टम क्या होता है मुझे नहीं पता कि वो कॉइन्स देते हैं तो कॉल पे बात होती है किस तरह जाए. से अच्छा वो मुझे मेरा दोस्त बता रहा था कि ये क्या करते हैं हमारा कोक है? वो कहता है कि ये ना वो जो कोई चाइनीज अगर लड़की वो लाइव आई हुई है तो आप इसके भी पैसे लगे हुए हैं कहता है ये ना फिर अपने ये उसकी अलहदा से कैंपेन कर रहा होता है वीडियो के ऊपर कि आप ज़ाहिर है वो क्राउड चाहिए तो अब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं पता ये ऐप कैसे काम करती है बट इट इज लाइक कि मैं उसको देख रहा हूँ और मैं ना साथ कहूं आप भी आओ आप भी आओ ये सारी टीम आए सो सो बेसिकली वो उसको पे कर रहा है कि तुम तो मेरे साथ हाँ, चैट रूम में आओ फिर वो अपनी मार्केटिंग चाह रहे कि अब मेरी भी ऑडियंस हो जो हम दोनों की चैट देखे नहीं सो so ही वो उसको हेल्प कर रहा है राइट पैसे भी उसने खुद लगाए हैं और वो उस कंटेंट oh, उसकेटर okay, okay. को हेल्प कर रहा है और लोग अब फॉर एग्जांपल आप और मैं लाइफ के अंदर हैं ठीक है मैं एक लड़की हूँ चाइनीज और मैं आपको कह रही हूँ इतना क्रेजी सीन है आई ये कितने स्केल के ऊपर काम हो रहा है बट लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिसेंटली मैंने टिकटॉक क्या कहा एक वीडियो देखी है एक हॉल है बड़ा आई एम श्योर चाइना हांगकॉन्ग का था hmm. और वहाँ एक बंदी मतलब ना वो लिटरली यहाँ से मूव हुई है यूं कर 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 के पीछे गई छोटे छोटे कैबन्स बने हुए प्रोडक्ट लेवल ऑफ सर मैं आपको वो तो इकोसिस्टम ही एक, आपके एक। मेरे जैसे या इस्लामाबाद जैसे आप कह लें कितनी परसेंट आबादी है हुँ. दो परसेंट होगी पाँच परसेंट होगी सर हम बात कर रहे हैं नाइनटीन नाइनटी फाइव परसेंट आबादी की ठीक है ये वाला जो तबका अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये मैथ लेवल पे है ये मेरा कुक खाना बनाते हुए बीगो लाइव चलाता है टिकटॉक चलाता है जो छोटे शहरों में दुकानें मोबाइल की डाल के बैठे हैं वो पूरा दिन ये काम करते हैं जो रिक्शा चलाने वाला है वो शायद रिक्शा चलाते हुए भी बीगो देखेगा टिकटॉक देखेगा ठीक है वो उनकी एक अलहदा दुनिया है इसके अंदर राइट सो so, वो आई थिंक पाकिस्तान में तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये है ये वाले प्लेटफॉर्म बिकॉज बिकॉज जो व्यूअरशिप इनके पास है जो नंबर इनके पास हैं वो बाकियों के पास नहीं है अच्छा हम लोगों ने सारी चीज़ें तो कर ली जो आपकी कोर एक्सपर्टीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों ने देखा है कि अब तो आई थिंक आप आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं आप लिटरली किताबें बेचने से लेके mm -hmm. आप डॉक्टर इंजीनियर भी हैं तो मार्केटिंग इज़ मस्ट और वो वाला जमाना शायद चला गया कि यार छोटी सी कंपनी हायर कर लो बड़ी कंपनी हायर बेशक mm -hmm. कर लो बट जब आपको खुद अगर पता ही नहीं है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट ऑडियंस सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल्स जो उनको लगता है क्या मेरा काम तो डॉक्टर मैं तो हूँ ना मार्केटिंग के लिए तो मेरी ये टीम होगी बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केटिंग वर्क सो फिर फिर आप किसी से काम करवाएं तो वो एक और तरीक़ेकार आप अगर काम ना भी करवाएं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपको जरूरत इस चीज़ की नहीं भी पड़ेगी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इफ़ यू आर अ डॉक्टर फार्मासिस्ट मीडिया पर्सन वट सो एवर राइट डिजिटल मार्केटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल मीडिया वुड ऑलवेज गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज यू नो यू विल सिंपली स्टैंड आउट ऑफ द कराउड बिकॉज यू वुड नो हाउ टू मेक थिंगस वर्क अगर आज के दौर में अगर आपको पता है कि फेसबुक क्या है लिंकड इन क्या है सोशल मीडिया एड्स क्या है गूगल कैसे चलता है यूट्यूब पर क्या होता है अगर आपको ये चीज़ें पता है ना आप दुनिया की जनरली आप कोई भी जॉब करें कोई भी बिज़नेस करें आपको एक एज मिलेगा ये पक्की बात है उसके बाद फर्दर जो हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर गुड एट सोशल मीडिया और हर media, सेक्टर के साथ नीड्स एवरी सिंगल पर्सन फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा सर्टन कैटेगरी इंस्टाग्राम पे अच्छी चलेगी बहुत प्रोफेशनल कैटेगरी होगी तो लिंकड इन पर अच्छी चलेगी बट डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया एंड पर्सनल ब्रांडिंग गिव इट अफ यू नो देर आर पीपलिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड दिसंक द डिजिटल मार्केटिंग का उनके साथ कोई ताल्लु नहीं है ट्राई टू लर्न इट फॉर वन मंथ यू विल सी एंड अंडरस्टैंड कि इसकी इंप्लीमेंटेशन आपकी फील्ड में कितनी है hmm. आप किसी जॉब में किसी कंपनी में ऑब्वियसली वो कंपनी कुछ ना कुछ बेच रही है जस्ट इमेजन फॉर अ सेकंड यू नो हाउ टू सेल थिंग्स मीडिया यू आर अ मार्केटर लर्न अ कपल ऑफ थिंग्स You might end up helping that your your hmm. employer hmm. with the sales or with the marketing side, or you now you are a different person because you know you have other skills as well to offer. So hmm. you are more hmm. valuable. Hmm. Then you business, you can business scale business. you are job, you can uh, just be good at whatever you are doing. And how how much is it important for the market? As if we reverse engineer career? अब बिकॉज मार्केटिंग इज़ सो ईज़ी एंड ग्रेजुएट बच्चा निकलता है अपनी फर्म चला लेता है वही एड्स मैं चला लेता हूँ शायद वही वो, वो चला ले शायद दो नीचे होंगे जो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सपेंसिव रखा हुआ था वो कैनवा hmm. पे कर लेते हैं तो जो एवोल्यूशन एक आ रही है अब ज़रा आप ख़ुद भी स्मॉल बिजनेसेस को देखें तो लोगों ने खुद कैनवास के ऊपर या एक एक दफ़ा टैंपलेट्स बना के रख लिया हैं वो कहते हैं यार आप जो पांच पोस्टें लगा रहे हो तो मैं खुद ही बैठ hmm. के लगा लेता हूँ तो मैं डेढ़ दो लाख रुपए आपको क्यों दूँ hmm. तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये मार्केट कैसे चेंज हो रही है आई थिंक नॉट जस्ट फॉर द मार्केटर्स इट्स हैपनिंग विद ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री डिजाइन कंटेंट मार्केटिंग ए आई ऐसे ऐसे काम कर रही है कि कोई वो डिजाइनर और कोई एडिटर hmm. कर ही नहीं सकता वो आपने देखी नहीं है वो इस तरह की स्नैप्स जिसमें फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी पिक्चर लें मेरा आदम हो या इतना हिस्सा काट दें उस ए को दें वो नीचे की बॉडी खुद बना लेगी राइट सो आर टूल्स लाइक दैट पिक्चर एक कोई यादगार पिक्चर है आपकी पिक्चर uh, ठीक नहीं आई ए को दें उसको थोड़ा सा बता दो इस तरह की चाहिए आई स्वेर टू गॉड आपको जनरन में और उस ए आई पिक्चर में फ़र्क ही नहीं नज़र आएगा सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री ज़्यादा उनके लिए चेंज हो रहा है जो थोड़ा सा आई टी या कंप्यूटर के साथ है उस पर ज़्यादा इंपेक्ट आएगा अदरवाइज इवेंचुअली तो सब पे आ जाएगा ना हुँ, हुँ, uh, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे रश ज़्यादा हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह से हो रहा है सो देर आर यू नो यू सी देर आर आ लॉट ऑफ मार्केटर्स देर आर लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स देन किसको काम मिलेगा हु विल स्टैंड आउट जो पर्सनल ब्रांडिंग में ज़्यादा अच्छा है या जिसका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा है इसी तरह अगेन आई थिंक आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की जो मार्केटर है हाउ इम्पोर्टेंट पर्सनल ब्रांडिंग फॉर हिमसेल्फ एज वेल आप दूसरों की तो कर रहे हो बट अब यह कि बहुत सा काम इस तरह भी है कि जब तक अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो आपको थोड़ा सा एडवाटेज एन एक्जाम्पल अब मैं कहीं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जाता हूँ तो मुझे जैसे पहले बेचना पड़ता था ना कि जी हम टी hmm. सी एम है हम ये करते हैं hmm. हाँ हमने हाँ, देखा हुआ है तो और आप मतलब आप आप कब से कर रहे हैं? अब इट्स लाइक वी वी सीन सीन दिस दिस पॉडकास्ट तो वो आधा बैरियर तो अपना तारुफ नहीं देना पड़ा इट इज वेरी पावरफुल नथिंग कैन बी मोर स्टेज जहाँ पे लोग आपके पास आ जाए जहाँ पे आपको तारुफ ना देना hmm. पड़े पीपल आर लाइक क्या हमें पता आप क्या काम करते hmm. हैं hmm. right? और उसमें उस भी आई थिंक उससे भी ज़्यादा ये कि वन दे ऑल्सो एक नॉलेज द क्वालिटी ऑफ वर्क आपने भी वो एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली की तो उसमें टी सी एम का जिक्र किया अब इस तरह का मतलब वो अक्सर लोग ना रेंडमली जो नई भी हैं एंड इज जस्ट लाइक माइंड ब्लोइंग टू Hmm. कि यार एक एक जनरल डिस्कशन है है उसमें लोग रेफरेंसेस दे रहे हैं हैं hmm. अब मुझे पिक्चर्स आ जाती जी वो वो प्रेजेंटेशन हो रही है, सरकार में 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 उस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग उधर तो वो ना आपकी वीडियोस की दो hmm. मतलब डिजिटल के अंदर कि इस किस्म का क्यों नहीं हम कॉन्टेंट बनाते हैं अब भी और आज से पाँच साल बाद भी इट विल नेवर स्टॉप पेइंग ऑफ राइट बिकॉज यू नो दैट द काइंड ऑफ वर्क सी एम एंड यू यू पर्सन हैव डन ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर सो यू अगेन इसको रिलेट करते हैं विद पर्सनल ब्रांडिंग एंड यू नो यू वर द फर्स्ट मूवर द सेगमेंट और द कैटेगरी जिसमें आप काम कर रहे थे आपने आके एक दफा अपने आप को मनवा लिया राइट आई सॉ दिस गैप एज वेल कि मार्केटिंग की जब आप बात hmm. करते हैं मार्केटिंग की बात करें पाकिस्तान में कौन सा ब्रांड जेन में आता है आपके राइट तो आई हैड दिस इन माय माइंड के पाकिस्तान में मार्केटिंग के ऊपर ना कोई बात कर रहा है देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बी अ ब्रांड इन दिस ब्रांड राइट कंटेंट जो आपकी एक कैटेगरी है व्हेन इट कम्स टू सोशल वर्क वाली जो है या एक एक जिस तरीके से आप हिडन मैसेजिंग mm. उसको हम कहें कि एक कॉज के ऊपर mm. काम mm. करना कपल ऑफ थिंग्स इसके साथ की और भी जो चीजें हैं वो आपकी तरह ना कोई कर, कर रहा है इंटरनेट वेन यू आर बींगी कैन स्टॉप यू मतलब फिर तो आप वो अनस्टॉपेबल वाला true, है ना यू आर ऑलरेडी

कीमी है तो ये ah. एक चीज आ गई है सो पीपल आर मोर लेके पता नहीं हाँ ये अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं क्या हुआ ऑफ कोर्स लोगों को पता है बट जनरली वो नहीं पता बताइए पीछे पर्सनल hmm. ब्रांडिंग ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है सोशल मीडिया का जो यूज जिसकी हम बात करें इट्स नॉट लाइक इट टेक्सर सो पीपल यू नो दे आर स्टार्टिंग फॉलोइंग मी टूडे बट आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम द लास्ट

On a 24 hours notice, there was there were 150 yeah. very decent people yeah. in the hall. Yeah. Right? So, the podcast, mm. se pehle, jis baat kar rahe tha, on digital media, on social media, followers is not the not the thing, not the goal. Mm. It's the genuine loyal audience. Yeah. Which yeah. Jiske paas hai, it's a gold mine, it's hell powerful. Mm. Loyal mm. audience, you are connected with them, they know you. Uh Because of your work, that's the most powerful true, thing. True, true. Knowing hey. talha and knowing talha ahad with the yeah. reference of TCM is something very priceless. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, so this is, I think, uh, I have also been working on over the years mm -hmm. you as well. आप तो एक ऐप पे हमने वो मैंने गलती से आपका कोई आर्ट देख लिया तो अब मेरा पीछा ना YouTube पे छोड़ें आप ना Instagram पे छोड़ें. And, and you know what? They, शायद वो लोग एक दो दफा ना वीडियो को देख के शायद इग्नोर कर देते हैं hmm. मैंने एक ट्रेंड पैटर्न देखा है लेकिन जब उनके पीछे वो वीडियो दो महीने तक लगी रहती hmm. है ना तब वो सोचते हैं या या मुझे मैसेज कर कर देते हैं दे यार। मतलब या वो, वो <laughs> उनके ना वो एक एक लग जाती है राइट बिकॉज दे रहे हैं hmm. उनको के अंदर राइट सो दिस इज हाउ डिजिटल मीडिया वर्क बिकॉज यू हैव सो मच डिस्ट्रैक्शन के इंटरनेट पे किसी की अटेंशन लेना देखो आप कुछ भी बेच रहे हो आप अपना मैसेज दे रहे हो कुछ भी कर रहे हो द यू नो इंटरनेट के ऊपर द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इज अटेंशन इफ यू कैन गेट अटेंशन सारी आपकी चाहे सेल्स हैं चाहे फॉलोअर्स hmm. हैं कुछ भी हैं वो उसके बाद है hmm. अब आपने अटेंशन कैसे लेनी देर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स देर आर थाउजेंड्स ऑफ था जो कि अपने आप अपने एड्स चला रहे हैं यू नीड टू स्टैंड आउट

You might end up clicking on hmm. that video, hmm. and that is what I want as a digital marketer. But why? Why do you want attention? Do you want to be famous? Uh, so th there is, do, you, do you like popularity? Who does not, right? Uh, who does not? And I think, when uh, you have, your very good, right? You have money, you have all Then naturally, every single person wants people to know you with hmm. uh, with the reference of your work. That's you know.

इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए कि अगर मैं किसी शहर में जा रहा हूँ और वहां पे आई जस्ट वॉन्ट टू मीट पीपल एंड आई पोटापा स्टोरी एंड आई सी देर ओवर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी पीपल इन द हॉल नॉट यू नो दे वर नॉट जस्ट इन द हॉल दे वर जेनली देर टू मीट एंड टॉक एंड टू कनेक्ट राइट सो आई थिंक दैट इज इमेंसली पावरफुल राइट

right i have people from across the country who are you know very well connected with mm -hmm. me there you know uh, people there are people who internet pe kya hai hai internet ki power yehi hai ke there are people who listen to what you say mm -hmm. and uh, in terms of that yes i am powerful thank you sir so, <laughs> <laughs> so thank you so much pleasure meeting you always and talking to you so Baki off the record to kafi